इटावा जेल से कैदी के फरार होने के मामले में 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ के वरिष्ठ अधीक्षक के आदेश पर 5 वार्डन निलंबित किए गए। वार्डन श्रीकांत अवस्थी, सचिन कुमार, संजू यादव निलंबित किए गए। वार्डन चिन्मय काका और केशव कुमार भी निलंबित हैं। लापरवाही के चलते एक विचाराधीन कैदी जेल से फरार हुआ था। फरार कैदी अजय पर लड़की को भगाने का आरोप है। गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच और पुलिस की 3 टीमें रवाना की गई है। 2021 का केस है, उसमें जमानत पर चला गया था, दोबारा जमानत कटवा के घरवाले भेज दिए होंगे। तो अभी 27 अक्टूबर से यह बंद था इसे, और जब से आया था तो बगिया में काम कर रहा था। नैनवाल के चारों तरफ बगिया रहती है, बगिया में काम कर रहा था। वो आज सुबह वो गिनती दे करके बगिया में गया और वहाँ के प्रभारी मंदिर शक्ति उनकी लापरवाही से वो नैनवाल से पलायन किसी तरह करने में सफल हो गया। अभी इसके साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं कि कहाँ से भागा है। पुलिस की टीमें सब जांच कर रही हैं, जांच का विषय है, थोड़ा जाएगा तो बताएगा। पूरी हमारी जो 3 टीमें हैं, सर्विलांस एसजी की है तथा और भी टीमें जो हमारी थाने की सर्विलांस की टीमें हैं लगी हुई हैं और शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगी। बाकी जो उनके मैंने उनके द्वारा जो जेल अधीक्षक हैं उनको निश्चित किया है कि अपने कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रेषित करें, और अभी तक जानकारी जो मिली है कि 5 कर्मचारी उसमें निलंबित कर दिए गए हैं। निश्चित तौर से जेल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें जो भी अधिकारी जिम्मेदार होंगे उसकी जाँच की जा रही है और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो इनका हवलदार है उसको नामजद मुलजिम भी बनाया गया है इसमें।